अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बादुल हक, मेरे चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। और आज मैं दोबारा आया हूँ कि गिरने काफ़ी जगह पे घूमने के लिए, तो आप लोगों को इस जगह का विज़िट कराते हैं। और हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। गिरने काफ़ी जगह लेफ्कोशा नॉर्थ साइप्रस में मौजूद है। ये यहाँ का सिटी सेंटर भी माना जाता है। इस जगह को काइरेनिया गेट भी कहते हैं। ये गिरने काफ़ी जगह दरअसल इस्तेमाल होती थी नॉर्थ में आने जाने वाले रास्तों के लिए, आमदोरफ्त के लिए। ये गेट 1567 में वीनस के बाशिंदों ने शहर की नई दीवारों के तामीरात के तौर पर इसको बनाया था। 1821 में उस्मानी सल्तनत ने इसको बहाल किया और इसको मुमकिन यूनानी बगावत से बचने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब ये गेट ज़्यादातर सयाहत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको टर्किश म्यूनिसिपल कमेटी रन करती है। इस जगह गिरने काफ़ी पे हज़रत मौलाना का मज़ार भी मौजूद है। आप इसके मुतालिक मालूमात मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मज़ीद घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारी शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स, इसके अलावा कपड़ों के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, खाने पीने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक घूमने फिरने की अच्छी जगह है। यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें आपको तावुक डोनर सिर्फ 120 TL में अवेलेबल है। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, एम्बियांस काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे इवनिंग में आके काफ़ी अच्छी मील एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। और इस जगह गिरने काफ़ी को घूमने के लिए ये साइकिल्स अवेलेबल हैं, आप साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी सर्विस है आवाम के लिए। निकोसिया वलीद सिटी, इस जगह को वॉल ऑफ निकोसिया और वेनेटियन वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल डिफेंसिव वॉल्स यानी कि दिफाई दीवारों का एक सिलसिला है जो नॉर्थ साइप्रस के दारुल हुकूमत में वाक़ है। ये जगह गिरने काफी की एक सयाहत की बेहतरीन जगह है। इस जगह को सबसे पहले मिडिल एजेस में तामीर करने का फ़ैसला किया गया था, मगर इसकी असल तामीरत का सिलसिला मिड 16th century में हुआ, जिसको रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने शुरू किया। ये जगह दीवारें अभी तक बड़ी हद तक बरकरार हैं, जो कि हमारे ईस्टर्न मेडिटेरियन मशरक़ी बहर रोम में निशानिया सानिया के बेहतरीन महफूज किलों में से हैं। ये सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ है। निकोसिया, ये जगह इटली में पालमनोवा और माल्टा में वॉलेटा की तरह निशानिया सानिया की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर है। इसकी वजह इसके किलाबंदी और शहर के अंदर इसकी शहरी ज़िंदगी है। और इस वक्त मैं जो है यहाँ पार्क में एंटर हो रहा हूँ, जो हमारे साउथ साइप्रस के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। निकोसिया जो है वो नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस दोनों का कैपिटल सिटी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बेहतरीन मंज़र है यहाँ का। आगे चलते हैं और आपको मुख्तलिफ मनाज़िर दिखाते हैं यहाँ के। Whenever your heart is
ये मनाजिर जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस के बॉर्डर के हैं। निहायत ही बेहतरीन मनाजिर हैं। यहाँ से देखें साउथ साइप्रस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। देखें कितनी अच्छी यहाँ पे सड़कें हैं, मार्केट्स हैं और एक प्रॉपर वे में ट्रैफिक चल रहा है और बहुत ही पुरसकून जगह है। ये एक इन्होंने पार्क सा बनाया हुआ है, आप इस पार्क में बैठ के अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं और नेचर के लिहाज से भी ये जगह को इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब ये हमारा मार्केट की तरफ जाने वाला रोड है और यहाँ से आपको ये चर्च भी नज़र आता है जो साउथ साइप्रस में है। और ये जगह मार्केट के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से बहुत फेमस है। 1974 में बगावत के बाद तुर्की ने नॉर्थ साइप्रस के हिस्से में अपनी फौजें भेज दी थी और उसके बाद इस साउथ साइप्रस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, हाफ पार्ट साउथ साइप्रस और हाफ नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ साइप्रस का एरिया है, ये लेडर स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, जिसको डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में। और अब ये गली मुकम्मल तौर पर नई अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि ये इन दोनों इलाकों के दरमियान एक सरहद बन गई है। इस जगह पे लेदर के शूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ज्वेलरी आइटम्स काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं इकोनॉमिकल प्राइस में और यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम के ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छी इन्होंने इस मार्केट को एक अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है शॉप्स की। तो अच्छा लगता है यहाँ के एक आई कैचिंग एनवायरनमेंट है, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं और घूमने फिरने के लिहाज से भी ये जो स्ट्रीट है लेडर स्ट्रीट, ये काफ़ी मशहूर है। देखें ये कितने अच्छे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है ब्राइड के ड्रेसेस को। जी यहाँ पर जो है मैंने ग्लासेस ले लिए हैं और अभी मज़ीद जो है इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखें काफ़ी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं बेहतरीन, अच्छी जगह है ये शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए। बायो खान नॉर्थ साइप्रस जजीरे में सबसे बड़ा कारवान सराय है। कारवान सराय यहाँ पे होटल को बोला जाता है जिसमें मुसाफिर आके ठहर सकें और खाने पीने से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस जजीरे की सबसे बेहतरीन इमारतों में से इसको एक बेहतरीन इमारत समझा जाता है। क़िब्रस के दारुल हुकूमत में ये वाक़िया है। उस्मानी सल्तनत के दौर में 1572 में इसको तामीर किया गया था जब इन्होंने इसको वेनेटियन से फ़तेह कर लिया था। इस खुले सहन के बीच में एक मस्जिद वाक़ है जिसमें नमाजियों के लिए वज़ू का एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। ये बरतानवी दौर में इसकी एक जेल 1990 में जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो इस जगह को रीस्टोर किया गया और इस जगह को तब्दील किया गया एक आर्ट सेंटर में। यहाँ पे बहुत सी सिविल आर्ट्स गैलरीज हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं,
इसके अलावा यहाँ पे कैफेज़ हैं, मुख्तलिफ़ खाने पीने की शॉप्स हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन ख़ज़ाना मौजूद है, मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं, नॉवेल्स हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने इस जगह को डेकोरेट करा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ये हैंडमेड इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, लॉकेट्स हैं, इसके अलावा शॉपिंग बैग्स हैं, और इसके अलावा साइप्रस से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी चीज़ें पब्लिश करी हुई हैं। तो बहुत अच्छी जगह है ये घूमने फिरने के लिए, आप यहाँ पे मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़, लॉकेट्स और इन चीज़ों को भी डिस्प्ले किया हुआ है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में ये अवेलेबल हैं, 50 लीरा, 100 लीरा। और यहाँ पर बेनिफिट ये है कि अगर आप साउथ साइड से आते हैं तो आप 2 यूरो, 1 यूरो में भी यहाँ पे चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्थ साइप्रस से हैं तो आप यहाँ लीरा में भी करेंसी में पे कर सकते हैं। बहुत ही ख़ूबसूरत ज्वेलरीज़ और डेकोरेशन के आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्कार्फ्स और भी मुख्तलिफ़ दीगर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जगह गिरने काबी का ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है। यहाँ पे पुराने मकानात, पुरानी इमारतें मौजूद हैं। इसके अलावा ये रास्ता हमारा मस्जिद की तरफ जाता है, और यहाँ पे म्यूनिसिपल ऑफिसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, ये चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के बनाए हुए देखें स्ट्रक्चर है। यहाँ गिरने काबी जगह में ये एल अरसलान टर्क्स लाइब्रेरी है। ये बहुत ख़ूबसूरत लाइब्रेरी है, इसको इन्होंने एल अरसलान के नाम पे रखा है, जो कि सलजोक रियासत के एक बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। एल अरसलान ने दरअसल बाज़ंतीनियों को बहुत बड़ी शिकस्त से दोचार किया था, और इन्होंने अनातोलिया की मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। इनको बहुत ही ज़बरदस्त जंगजू के तौर पे जाना जाता है। यहाँ इस लाइब्रेरी में डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, और डिफरेंट इन्होंने कल्चरल वैल्यूज़ को जो है उजागर किया है, और लोगों को बहुत ही अच्छी दिलचस्प चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं। ये जामा मस्जिद है, जो कि दीवारों के शहर ओल्ड निकोसिया में एप्लिक बाजारी स्ट्रीट पर मौजूद है। ये एक छोटी मस्जिद है। इस जगह का नाम कॉटन मार्केट की वजह से मशहूर हुआ था, जो कि उस्मानी दौर में यहाँ वाक़े थी। इस मस्जिद की पहली तामीर साइप्रस के मुहासिल हाजी अहमद आगा ने 1826 में शुरू की थी, और इसी अरसे के दौरान इस मस्जिद का नाम मुहासिल हाजी अहमद आगा रखा गया था। ताहम इस मस्जिद को उसके आम नाम से जाना जाता है, और उस्मानी दौर में इस इलाके में कपड़े की मार्केट की वजह से इपलिक बाजारी मॉस्क भी इसको कहा जाता था। यहाँ इस जगह पे दो पुरानी कदीम कब्रें भी मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 2000 साल पुरानी हैं। इसके अलावा इस मस्जिद में वज़ू का भी एक अच्छा इंतज़ाम है। तो आज का हमारा वीलॉग हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।